फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका शिक्षा शास्त्र एजुकेशन से है। ये जो वीडियो है सिर्फ नेट सेट्स और स्लेट के लिए लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो लोग एजुकेशन से एमए कर रहे हैं, यानी एमए एजुकेशन कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर जो लोग बीएड कर रहे हैं, तो उनके कोर्स में भी ये है। क्या है? दर्शन और शिक्षा। तो टॉपिक आज लेते हैं दर्शन और शिक्षा, और इसमें आज इम्पॉर्टेंट लेते हैं, शिक्षा का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, दर्शन को हम समझते हैं कि दर्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम भारतीय परिवेश में दर्शन को समझेंगे, अर्थ, कार्य, प्रकार और तत्व को लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं पीडीएफ की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, दर्शन, दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब यहाँ पे फिलॉसफी होता है, जिसको इंग्लिश में हम फिलॉसफी बोलते हैं। जनरली हम बोलते हैं ना कि बहुत फिलॉसफी झाड़ रहे हो, कोई व्यक्ति किसी के बारे में डीपली बताने लगता है, बहुत बात नहीं होता है, बात करता, तो हम लोग कह देते हैं कि बहुत फिलॉसफी झाड़ रहे हो, है ना, किसी चीज़ के बारे में बताना, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना। तो यहाँ पे दर्शन को जो है वो अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतर है, यानी फिलॉसफी शब्द से निकला है, और जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा कैसे हुई है, और ये जो फिलॉसफी शब्द है वो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द से बना हुआ है, यानी अंग्रेजी में इसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, और इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है, और जो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो ये दो शब्दों से, वो शब्द हैं आपका, पहला फिलॉस होता है और दूसरा है सोफिया, यानी फिलॉस और सोफिया से मिलकर फिलॉसफी शब्द बना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इनका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो फिलॉस का अर्थ है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। फिलॉस का अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में? प्रेम या फिर अनुराग होता है। और सोफिया का जो अर्थ है वो ज्ञान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि हम फिलॉसफी शब्द का अर्थ देखें क्या होता है, तो फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है, यदि आप प्रेम लेंगे तो ज्ञान का प्रेम हो जाएगा, और यदि अनुराग लेते हैं फिलॉस से तो ज्ञान के प्रति अनुराग हो जाएगा। तो ज्ञान के प्रति अनुराग रखना और ज्ञान का प्रेम ही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। ठीक है ना, तो विशेष तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ हो जाता है अमूर्त चिंतन करने से, उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन है। देखिए, जनरली हम लोग दर्शन को किससे समझते हैं? हम लोग जनरली दर्शन को जो है एक तरह से कहा जाए कि ईश्वर से संबंधित कर देते हैं, कि उसको इस चीज़ का बहुत दर्शन है, बहुत ज्ञान है, तो ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में खोज करते रहना ही दर्शन कहलाता है। तो अगर हम सिंपल सा यहाँ पे अर्थ देखते हैं तो अमूर्त चिंतन, यहाँ पे एक वर्ड जो यूज हुआ है, अगर आप इसको समझ लें थोड़ा सा कि ये अमूर्त चिंतन क्या है, अमूर्त चिंतन करने से, देखिए अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जब आपके पास, आप भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो आपने क्या भगवान को देखा है? नहीं देखा है ना। हाँ, आपने उनके प्रतिरूप को देखा है, जो मूर्तियाँ चल रही हैं आजकल, जो कैलेंडर में हम देख रहे हैं कि शिव इस तरह के हो सकते हैं और कृष्ण इस तरह के रहे होंगे, हमने रियल में उनको नहीं देखा। तो जो हम किसी चीज़ को रियल में नहीं देखते हैं वो अमूर्त चिंतन होती है, और उसी के द्वारा हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आत्मा है, ईश्वर हो गया, प्रकृति के बारे में वर्णन करना, जानना ही दर्शन कहलाता है। और वास्तविक रूप में देखें तो सत्य की खोज करना, हम भगवान के पास क्या करने जाते हैं? सत्य की खोज करने ही तो जाते हैं। सत्य तक पहुंचने का एक माध्यम ईश्वर होता है, और ईश्वर को हम दर्शन में ही पढ़ते हैं, जानते हैं। तो ये पूरा हो जाता है आपका दर्शन, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी हो जाता है। ओके, आई थिंक से आप इतना मीटर जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि दर्शन क्या कहलाता है। ज्ञान की खोज करना, ज्ञान का, ज्ञान के प्रति अनुराग रखना, ज्ञान का प्रेम रखना, अमूर्त चिंतन के बारे में प्रयास करना, अमूर्त चिंतन के माध्यम से आत्मा जो होती है उसके बारे में जानना, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में जानना, जो भी उसके रहस्य हैं, जो राज हैं, जो भेद हैं, उनके बारे में जानना, उनको सबके सामने लाना, और सत्य की खोज करना ही दर्शन है। भारतीय परिवेश में दर्शन का क्या अर्थ है ये देख लेते हैं। देखिए, भारतीय परिवेश में दर्शन जो होता है, पद की उत्पत्ति के दो अर्थ होते हैं। पहला होता है दुष्यते अनेन इति दर्शना, ओके, और इस व्युत्पत्ति के अनुसार संस्कृत में दर्शन का अर्थ होता है यानी जिसके द्वारा देखा जाए। ओके, पहला हो गया दुष्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए, और दूसरा होता है दर्शन शब्द से वे सभी पद्धतियां अपेक्षित हैं जिनके द्वारा परमार्थ का ज्ञान होता है। पहला हम लेते हैं जिनके द्वारा देखा जाए,
देखिए, जब आप किसी ऐसे एक महात्मा के पास जाते हैं जो लोग प्रवचन देते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो अपने आप को ये बताते हैं कि वो भगवान के बहुत करीब हैं, वो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्हें गीता का पूरा पाठ जो होता है उन्होंने पढ़ा है, उस चीज़ को कंठस्थ किया, रटा हुआ है। तो उनके माध्यम से आप वो सब चीज़ देख रहे हैं, आप प्रवचन सुनते हैं और जो वो बताते जाते हैं तो आप उसको रियल में फील करते हैं, है ना। आपको लगता है कि जो ये सब कुछ है बिल्कुल सत्य घटनाएं बताई जा रही हैं, हकीकत में है। तो आप जिसके द्वारा देखा जाए तो आप उस व्यक्ति के द्वारा सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो जाता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं सुन रहे हैं उसमें क्या होता है, परमार्थ का ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया जाता है। तो देखा जाए, इस पद का अर्थ तो ये हो सकता है कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, या ये भी हो सकता है कि फिर भी इस संबंध में ध्यान रखना उचित है कि ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन है। मैंने कहा ना, देखा जाए यानी आपने उसका प्रवचन सुना, तो क्या हुआ, देखा जाए यानी आपने ज्ञान प्राप्त किया। तो देखा जाए का मतलब क्या निकला, ज्ञान प्राप्त करना निकला। अब वो ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। आप प्रवचन जो है सामने बैठ के सुन सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वो दे रहा है व्यक्ति, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं जब आप गीता सार पढ़ रहे हों, उपमान भी हो सकता है, शब्द भी हो सकते हैं। आप उसको DVD और TV के माध्यम से भी, आप प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, को प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं है, लेकिन आप उसी व्यक्ति को TV के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। तो ये सभी साधन हैं किसके, दर्शन के, ठीक है। तो भारतीय परिवेश में दर्शन का अर्थ यही होता है, दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ हो जाता है जिसके द्वारा देखा जाए, और जो दूसरा होता है दर्शन, उसका मतलब होता है कि परमार्थ का ज्ञान होना, ठीक है ना, यानी ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पे दर्शन के जो है कुछ प्रमुख विद्वानों के मत दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे प्लेटो ने दर्शन के बारे में क्या कहा, प्लेटो, हेंडरसन, सुकरात, ये रूसो, ये सभी दर्शन शास्त्री हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। अब दर्शन से ही जो दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है, देता है, वो दार्शनिक होता है। मान लीजिए आप प्रवचन सुन रहे हैं और आपने सुना कि भगवान का जन्म यहाँ हुआ। अब भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, वो कैसे थे, कैसे रहते थे, बहुत सारे सवाल विचार आपके मन में उठेंगे, ठीक है ना। मतलब आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन आपकी जो रुचि है वो ख़त्म नहीं हो रही है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, तो वो दार्शनिक होता है। ऐसे हेंडरसन ने भी कहा है कि दर्शन ऐसी सबसे कठिन समस्याओं, जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है, जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। तो यहाँ पे जो दर्शन में गीता सार का अगर हम उदाहरण लेते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे दर्शन के प्रकार एवं कार्य देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। तो दर्शन के प्रकार एवं कार्य में जो निम्नलिखित प्रकार होते हैं, आदर्शवादी या विचारवादी दर्शन। देखिए, अब यहीं पे आपका जो है, जितने भी दर्शन दार्शनिक जो होते हैं, दर्शनवादी होते हैं, वो इसमें बट जाते हैं। कुछ आदर्शवादी होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम आदर्शवादी या विचारवादी कहते हैं, ये सेम एक ही होते हैं। भौतिक या प्रकृतिवादी, हम उनको भौतिक भी कह सकते हैं या प्रकृतिवादी भी कह सकते हैं। बहुवादी या अनेकेश्वरवादी, आप उन्हें बहुवादी भी कह दीजिए या फिर अनेकेश्वरवादी कह दीजिए। तो मेन यदि हम प्रकार में प्रकार देखते हैं, तो आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और अनेकेश्वरवादी जो दर्शन होते हैं, इसके प्रकार है, जो तीन दर्शन निकल के सामने आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देख लेते हैं प्रकार, ठीक है, इनके कार्य क्या क्या है दर्शन के। प्रकार का मतलब कार्य होता है। तो विश्लेषणात्मक जो प्रकार होता है, विश्लेषण करना, मानकी प्रकार और बौद्धिक प्रकार, इन सभी को हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दर्शन के तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि दर्शन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं कि दर्शन से आप क्या समझते हैं, दर्शन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, या फिर किस भाषा से लिया गया है, दर्शन के कितने प्रकार होते हैं, या फिर आदर्शवादी जो दर्शन आपने पढ़ा उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, दो या चार नाम लिख दिए जाएंगे, चार उसमें से एक में आपको सेलेक्ट करना होगा, या प्रकृतिवादी दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दार्शनिक आते हैं। इस तरह के MCQ जो है वो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, और जो लोग MA कर रहे हैं या MA एजुकेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आदर्शवादी से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, विस्तार से समझाइए, प्रकृतिवादी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्शन के तत्व देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका बनता है।
दर्शन के तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां, प्रविधियां, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। और दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना जाता है। दर्शन को क्या माना जाता है? शिक्षा का सिद्धांत माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पे शिक्षण संस्थानों तथा आश्रमों की स्थापना की जाती है दार्शनिकों ने, और जिससे दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके। और केवल दर्शन जो होता है वो केवल मीमांसा का ही विषय नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द आपका आता है मीमांसा, इसको भी हम क्लियर करेंगे। और इसका जीवन से सीधा संबंध होता है। और शिक्षा और दर्शन के संबंध को निम्न चार से समझाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस भी आपका, एमए एजुकेशन कर रहे हैं आप, एमएड कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है, एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो चैप्टर जो टॉपिक आपका है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दर्शन एवं शिक्षा के दोनों के, दर्शन और शिक्षा के दोनों के जो तत्व हैं वो अलग अलग हैं। अब इनको हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आपके जो MCQ पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किस तरह के पूछे जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दर्शन एवं शिक्षा में दर्शन के तत्व देखते हैं और शिक्षा के घटक देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, घटक और तत्व एक ही होते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तत्व मीमांसा, दर्शन का पहला जो तत्व होता है, जो पहला घटक एलिमेंट्स होता है, वो होता है तत्व मीमांसा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें दर्शन में। तत्व मीमांसा का मतलब क्या होता है? तो सत्य का प्रकाश होता है, ठीक है। क्या होता है? सत्य का प्रकाश तत्व मीमांसा का मतलब होता है। और जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि तत्व मीमांसा से आप क्या समझते हैं और किसके अंतर्गत आता है। तत्व दर्शन के तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो दर्शन के तत्व है उसमें से तत्व मीमांसा आता है, यानी सत्य का प्रकाश। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है यहाँ पे ज्ञान का स्वरूप। मूल मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान के चयन के जो मानक होते हैं। और उसी तरह से तर्क मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने के साधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों आपके हैं दर्शन में। आप दर्शन पढ़ रहे हैं, इन चारों को यदि आपने नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। शिक्षा के घटक में देखिए, यहाँ पे 8 घटक दिए हुए हैं। शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य रखे जाते हैं, फिर शिक्षा की प्रक्रिया प्रोसेस क्या हो, फिर पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप किस तरह से रखा जाए। फिर ठीक है, अगर पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया है भाई, तो फिर उसकी शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हों, किस तरह से, किस मेथड से शिक्षण जो है वो दिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षण की भी प्रविधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका उसमें क्या हो, क्या रोल होना चाहिए एक टीचर का, विद्यालय प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए कि सभी चीज़ें जो है वो उद्देश्यपूर्ण हो, और फिर परीक्षा प्रणाली किस तरह की हो। तो ये शिक्षा के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो दर्शन एवं शिक्षा में से दर्शन के तत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनमें सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्क मीमांसा, ये तीन है। और इसी तरह शिक्षा के घटक में सभी A1 से A तक इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। तो जो लोग MEd और MA एजुकेशन कर रहे हैं उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्शन एवं शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इनके तत्व या घटक के बारे में वर्णन करिए, या क्या डिफरेंसेस हैं इनको समझाइए, या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो देखिए, दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है। तो दर्शन जो के जो तत्व होते हैं उनका संबंध किससे होता है? सत्य से होता है। जैसे तत्व मीमांसा कहा जाता है तो ज्ञान का प्रत्यय हो गया। ज्ञान मीमांसा में भी ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया इसमें बताई जाती है, ठीक है, तार्किक चिंतन के आधार पर। और इसी तरह से आगमन और निगमन चिंतन को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो ज्ञान को ज्ञान मीमांसा में कौन सी विधि यूज की जाती है? तो आगमन और निगमन चिंतन यूज किया जाता है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे सभी चीज़ें समझा दी गई हैं जो भी तत्व हम पढ़ के आए हैं, कि पहला जो तत्व होता है तत्व मीमांसा, उसका मतलब होता है ज्ञान के प्रत्यय से, ठीक है, और ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया जो होती है, जो तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, और वहाँ पे आगमन निगमन को विशेष महत्व दिया जाता है, और ज्ञान का चयन किस तरह किया जाए उसका मानक जो प्रयोग होता है उन्हें मूल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, मूल मीमांसा के अंतर्गत होता है ये सभी चीज़ें, मूल मीमांसा के अंतर्गत आती हैं। और मूल्यों के प्रति संबद्धता, संवेदनशीलता तथा आचरण की आवश्यकता होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका दर्शन के तत्व, ओके। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, दर्शन के तत्व, शिक्षक के घटक, एक दूसरे से, मैंने पहले ही कहा कि एक दूसरे के ये पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो तत्व मीमांसा जैसे हो गया, तत्व मीमांसा को यहाँ पे शिक्षा प्रक्रिया से भी जोड़ दिया गया,
फिर यहाँ पे इसको उद्देश्य से भी जोड़ दिया गया, तत्व मीमांसा को जो है प्रविधियाँ और विधियों से भी जोड़ दिया गया, यानी सभी से इसको जोड़ा गया है। इसी तरह से शिक्षक छात्र भूमिका से जोड़ा गया है और यहाँ पे विद्यालय अनुशासन से जोड़ दिया गया है। ज्ञान मीमांसा को किससे जोड़ा गया है, मूल मीमांसा, तर्क मीमांसा, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दर्शन के कार्य क्या क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता होता है। भगवान के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके पास पहुंचना चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, तो एक जिज्ञासा जो आपके मन में है वो सिर्फ दर्शन के माध्यम से ही पूरी हो सकती है, यानी तृप्त हो सकती है, बुझ सकती है। ये शब्दों और अर्थों का विश्लेषण करके कार्य की सही दिशा बताता है। वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयास करता, होता तो नहीं है लेकिन सत्य की खोज करने का प्रयास करता है, जो सत्यों में अंतर विरोध होते हैं उनको भी दूर करने का काम करता है दर्शन। अब यहाँ पे ध्यान को केंद्रित करने में व्यक्ति की सहायता करता है, जो उनकी इच्छाएं होती हैं सांसारिक इंद्रिय जनित जो कामनाएं होती हैं, संयम प्राणायाम जो होते हैं, सभी कार्य को हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, दर्शन के माध्यम से कर सकते हैं। जीव जगत सत्य चित आनंद आत्मा आत्मन परमात्मन मनस आज सभी आप दर्शन में ही पढ़ते हैं, दर्शन में ये पाए जाते हैं। यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, जीवन की उत्पत्ति किसने की, जीव की उत्पत्ति किसने की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने कि पहले कौन आया क्या रहा, सत्य की खोज कैसे हुई, सभी चीजों का वर्णन आपको जो इसका जवाब है वो कहाँ मिलेगा, दर्शन में मिलेगा। ये मानव जीवन आदि अंत पर विचार करके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, विभिन्नताओं विसंगतियों को सामंजस्य लाने का प्रयास करता है और यह मात्र संग्रह न करके उनमें व्याप्त संबंधों को देखता भी है और वस्तु को आत्मा को देखने का प्रयास करता है। तो ये आपका था जो दर्शन है उसके मुख्य कार्य क्या है। आई थिंक आपकी वीडियो समझ में आया है और बहुत हेल्प आपको इससे मिली होगी कि दर्शन क्या कहलाता है, दर्शन का भारतीय परिवेश में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एमएड और एमए एजुकेशन में कि भारतीय परिवेश में दर्शन का क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं, तो फिर आपको यही सब चीज़ें लिखना होगा, दर्शन के अर्थ प्रकार ये सभी चीज़ें लिखनी होंगी। इसमें आपको कुछ दर्शन शास्त्र जैसे अरस्तु, प्लेटो, रूसो ये हो गए, दर्शन दार्शनिक में आपके अरविंदो भी आ जाते हैं, विवेकानंद भी आ जाते हैं, बस उनके जो दर्शन के प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत वो बदल जाते हैं। कोई आदर्शवाद में आ गया, कोई प्रकारवाद में आ गया, प्रगतिवाद में आ गया, कोई अनेकेश्वरवाद में आ गया, तो वो उसमें डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, इसका हम एमसीक्यू लेके आएंगे, उस वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।